हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सिंपल स्क्रिप्ट कोड। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था सिंगल लेवल इनहेरिटेंस सीखा था, तो इस वीडियो में मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे। तो वो देख लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो अ क्लास कैन बी डिराइव फ्रॉम अ मोर देन वन पेरेंट क्लास। ओके, कि ऐसा क्लास जिसको हम मल्टीपल पेरेंट क्लास से डिराइव करते हैं। ओके, फिर इसका क्या बोल रहे हैं इसमें, इन मल्टीपल इनहेरिटेंस द फीचर्स ऑफ ऑल द पेरेंट क्लासेस आर इनहेरिटेड इनटू चाइल्ड क्लास। ओके, मींस इसमें बहुत सारे पेरेंट क्लास रहेंगे और जो बहुत सारे पेरेंट क्लास केवल एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करेगा। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, द चाइल्ड क्लास इनहेरिट ऑल द फीचर्स ऑफ पेरेंट क्लास। जो भी चाइल्ड क्लास रहेगा, जितने भी पेरेंट क्लास का फीचर्स रहेगा, उसको इनहेरिट करेगा। ओके, तो अभी हम यहाँ डायग्राम से समझ लेते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो इसमें क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ पेरेंट क्लास होते हैं और जो भी मल्टीपल ऑफ पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करता है। सपोज इसमें मेरे पास 100 पेरेंट क्लास है, जो लेकिन 100 पेरेंट क्लास है बट 100 पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास को ही इनहेरिट करेगा। ओके, तो इस डायग्राम में सपोज मेरे पास दो क्लास है, क्लास ए क्लास बी। तो जो भी दोनों क्लास है वो क्लास सी को इनहेरिट कर रहा है, यानी ये क्लास ए क्लास बी मेरा पेरेंट क्लास है और जो ये क्लास सी है ये मेरा चाइल्ड क्लास है। ओके, तो अभी हम सिंटेक्स समझ लेते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटेक्स है। तो इसमें क्या है, दो पहले मैंने एक पेरेंट क्लास वन पेरेंट वन बनाया और पेरेंट टू बनाया, यानी मैंने दो पेरेंट क्लास बनाया और एक चाइल्ड क्लास बना रहा हूँ और जो भी दोनों मैंने पेरेंट क्लास बनाया था उसको मैं इनहेरिट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं आप देख सकते हो कि जो भी मेरा पेरेंट वन चाइल्ड क्लास के अंदर मैंने पेरेंट वन को इनहेरिट किया और पेरेंट टू को इनहेरिट कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं आया, सॉरी। तो जो भी मेरा चाइल्ड क्लास है पेरेंट वन और पेरेंट टू को इनहेरिट कर रहा है, फिर बाद में मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा चाइल्ड क्लास का और फिर उसके बाद जो भी मैंने अंदर जो भी फंक्शंस रहेंगे उसको कॉल करूंगा उस ऑब्जेक्ट से। ओके, तो अभी हमने क्या देखा, जो भी मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस था, मल्टीपल इनहेरिटेंस में मल्टीपल और पेरेंट क्लास होते हैं और एक चाइल्ड क्लास होता है। ओके, तो अभी हम समझ गए कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। तो अभी इसका कोड करते हैं, तो बढ़ते हैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की तरफ और लिखते हैं कोड को। तो आ गए हम अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में और लिखते हैं कोड को। तो मैं कोड किसका लिख रहा हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। तो मैं पहले इसको सिंगल लाइन कमेंट में लिख दे रहा हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, तो मैंने लिख लिया। अभी मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता क्या है, मल्टीपल ऑफ पेरेंट क्लास होते हैं और वन चाइल्ड क्लास होता है। तो इसमें मैं कोड में क्या कर रहा हूँ, दो पेरेंट क्लास ले रहा हूँ और एक चाइल्ड क्लास लूंगा। ओके, तो मैं पहले क्या ले रहा हूं, एक क्लास पेरेंट वन बनाया मैंने। ओके, फिर मैं क्या बना रहा हूं, जो भी मेरा एक और क्लास बना रहा हूं मैं, जो मेरा पेरेंट टू रहेगा, पेरेंट टू। और मैं थर्ड क्लास बना रहा हूँ जो मेरा चाइल्ड क्लास रहेगा। ओके, तो मैंने दो दो पेरेंट क्लास बना लिया और एक चाइल्ड क्लास बना लिया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरा पेरेंट क्लास में जो भी मेरे फंक्शंस जो भी रहेंगे मैं उसको इनहेरिट करूंगा चाइल्ड क्लास में। तो मैं इनहेरिट कर ले रहा हूँ। इनहेरिट करने के लिए मुझे करना क्या पड़ता है, जो भी चाइल्ड क्लास में जो ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट के अंदर मुझे दोनों पेरेंट जो भी दोनों पेरेंट है उसको मुझे लिखना रहेगा। ओके, तो मैं लिख ले रहा हूँ पेरेंट वन कॉमा पेरेंट टू। ओके, तो अभी मेरा जो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस था उसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ओके, तो अभी मुझे इसके अंदर जो भी कोड लिखता हूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ इसके अंदर और मैं फंक्शन का नाम देता हूँ वन वन। ओके, वन वन के अंदर मैं सेल्फ पास कर देता हूँ और मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्रिंट फंक्शन बना रहा हूँ। प्रिंट फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज पेरेंट वन क्लास। ओके, और फिर मैं एक अनदर फंक्शन बनाता हूँ दैट इज वन टू नाम का और मैं इसके अंदर सेल्फ पास कर देता हूँ फटाफट, और मैं इसके अंदर एक प्रिंट फंक्शन लिख रहा हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए और लिख देते हैं हम इसमें दिस इज पेरेंट टू क्लास। ओके, तो अभी मैंने जो भी फंक्शन बना लिया, मैं करता हूँ चाइल्ड क्लास में, तो चाइल्ड क्लास के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ df fun3।
सी करके और मैं इसमें सेल पास करता हूँ और मैं उसके अंदर लिख लेता हूँ दैट इज दिस इज चाइल्ड, दिस इज चाइल्ड क्लास। ओके, तभी मेरा जो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस था उसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब मुझे करना है क्या, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, जो भी मेरा चाइल्ड क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ओके, तो मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट को, मैं ओबी कर रहा हूँ, तो ओबी नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मैं किसको ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट में, चाइल्ड को, क्योंकि मेरा जो भी पेरेंट वन पेरेंट टू मैंने जो भी फीचर्स थे मैंने चाइल्ड में ले लिया है। ओके, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ चाइल्ड नाम का, सॉरी चाइल्ड फंक्शन को मैं ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट से क्रिएट कर रहा हूँ। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे जो भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया मुझे करना क्या है, जो भी मेरा फन वन फन टू फन थ्री जो जो मुझे आउटपुट में चाहिए मैं उसको कॉल करूंगा। तो मैं करूंगा ओबी डॉट फन वन फंक्शन, ओबी डॉट फन टू फंक्शन, ओबी डॉट फन थ्री फंक्शन। ओके, तो ये हमने कोड में क्या किया, उसके ऊपर पूरा रिवाइज करते हैं। पहले हमने क्या किया, एक पेरेंट क्लास बनाया, पेरेंट क्लास में एक फन वन करके फंक्शन बनाया और उसके मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ दिस इज पेरेंट क्लास, ओके पेरेंट वन क्लास। और सेम मैंने एक पेरेंट टू बनाया उसके अंदर मैसेज फन टू फंक्शन बनाया उसके अंदर और मैं उसके अंदर एक मैसेज पास कर रहा हूँ दिस इज पेरेंट टू क्लास। और मैंने एक चाइल्ड क्लास बनाया और क्या किया, मैंने जो भी पेरेंट वन के अंदर जो भी फीचर्स है और पेरेंट टू के अंदर जो भी फीचर्स है मैंने उसको इनहेरिट कर लिया चाइल्ड क्लास में। ओके, और मैंने चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन बना लिया और फंक्शन का एक मैसेज प्रिंट कर दिया दिस इज चाइल्ड क्लास। ओके, फिर मैं एक चाइल्ड जो भी फंक्शन था क्लास था मैं उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया और मैं ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूँ फन वन फंक्शन को, फन टू फंक्शन को और फन थ्री फंक्शन को। ओके, तो हमने कोड में इतना ही किया। तो अभी क्या करते हैं, हम इसको कोड को सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं ओपन करता हूँ अपना कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए मैं जस्ट कमांड विंडो सर्च बार में लिख रहा हूँ CMD और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा मैं इसको रिसाइज कर लेता हूँ ताकि मेरा जो कोड है और आउटपुट दोनों साथ में देख सके हम। तो मैंने रिसाइज तो कर लिया। अभी हम क्या करते हैं, जो भी मेरा कोड था किसमें है, डेस्कटॉप में BSCIT और मेरे फाइल का नाम क्या है 7B का B। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ CD किसमें है BSCIT फोल्डर में आ गया और मैं सिंपल लिख रहा हूँ पाइथन 7BB.py रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा मल्टीपल कोड लिखा था उसका मुझे प्रॉपर आउटपुट आ रहा है। पहले मुझे पेरेंट वन का आ गया, फिर पेरेंट टू का, फिर चाइल्ड क्लास का आ गया। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।